दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जयपुर, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं, राजस्थान का गुलाबी नगर। तो दोस्तों, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा लक्ष्मी नारायण जी मंदिर जी से। तो ये हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर, देन उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा उधर हवा महल, जो आपको मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। और उसके बाद ये यहाँ पर जो सुनारों जौहरियों की दुकानें हैं, चारों तरफ वही दिख रही हैं। जितने भी आपको ये पिंक सिटी में का यहाँ पर नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। ये दुकानें फूलों के लिए, जो फूलों वगैरह जो भगवान पर चढ़ाने के लिए। उधर श्री चंद्र बिहारी जी मंदिर है और इधर श्री लक्ष्मी नारायण जी मंदिर। तो हम लक्ष्मी नारायण जी मंदिर में जाएंगे अब, देन उसके बाद चंद्र बिहारी जी मंदिर में, और उसके बाद मैं आपको हवा महल दिखाऊंगा। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसको गुलाबी नगर से गुलाबी कलर से पोता वगैरह जा रहा है, बाकी ऑलरेडी ये बना तो हुआ है, शानदार भी है। उधर हमारे शायद मस्जिद लग रही है। ओके, अब मैं नेक्स्ट आपको मंदिर दिखाऊंगा। दोस्तों, ये मंदिर के गेट के बाहर से नज़ारा कुछ ऐसा है इसका। ये हवा महल रहा, हवा महल के बारे में सब जानते हैं ऑलरेडी, किताबों में भी हमने खूब पढ़ा है इसके बारे में। उधर नारगढ़ दुर्ग है वो, जो आपको यहाँ से दिख रहा है। और ये दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ से फोटोग्राफी वगैरह करवा दें लोग। और ये दुकानें जो आपको दिख ही रही हैं, सोने चांदी के व्यापार के लिए। अभी मैं उधर चल के आपको बताता हूँ, पास से दिखाऊंगा नज़ारे हवा महल के। ये बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन का रास्ता है, मेट्रो भी यहाँ पे अंडरग्राउंड हो चुका है, जो राजस्थान का मात्र एक मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। ये छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ दोनों अंडरग्राउंड है चांद पोल से। दोस्तों, ये बांके बिहारी जी का मंदिर है ऊपर, श्री चंद्र बिहारी जी मंदिर। और दोस्तों, इसी चौराहे को बोलते हैं माणक चौक, पास में पुलिस स्टेशन भी है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पिंक सिटी है, शानदार पिंक सिटी है, गुलाबी नगर बिल्कुल गुलाबी है। आप यहाँ के जो मकानों और बिल्डिंगों को गुलाबी रंग से देख सकते हो। और हम जा रहे हैं अब हवा महल की ओर, तो एक बार मंदिर में ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं अपन। ये जो जयपुर मेट्रो का वो है, किराया वगैरह का उसका है। दोस्तों, मैं आपको अब हवा महल के सामने ले आया हूँ। वैसे आप इसको देख सकते हो, ये माणक चौक से जस्ट पास में, बड़ी चौपड़ के जो मेट्रो स्टेशन है उसके भी जस्ट पास में ये। तो आप आ सकते हो फ्रीली यहाँ पे विजिट करने के लिए। और इसके सामने जस्ट हाई स्कूल है। तो
दोस्तों ये हवा महल के नीचे पास में दुकानें लगी हुई हैं, राजस्थानी ड्रेस वगैरह मोजड़ी वगैरह उसके लिए आप यहाँ से खरीद भी सकते हो। और ये हमारा हवा महल रहा।